हमारी भरोसा सपोर्ट सेंटर का गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुआ, जिसमें कि अपने होम मिनिस्टर साहब नैनी नरसिम्हा रेड्डी साहब और अपने डीजीपी साहब अनुराग शर्मा, सीपी महेंद्र रेड्डी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम राजीव त्रिवेदी साहब, वैसे ही सेक्रेटरी वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और कलेक्ट्रेट से जॉइंट कलेक्टर साहब और हमारे जितने हैदराबाद सिटी पुलिस और जितने गवर्निंग बॉडी ऑफिशियल्स हैं, हम सबका यहाँ पे मीटिंग हुआ। और मीटिंग में हम लोग एक साल जो भरोसा का कम्प्लीट हुआ है उसके बारे में डिस्कशन हुई और जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे गृह हिंसा का केसेस सामने आया है, उसी तरह से हमारे पुलिस स्टेशंस, सभी पुलिस स्टेशंस को बताया गया है कि जो भी रेप केस या पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी केसेस आते हैं वो हमारे भरोसा को पहुंचाएं, ताकि जो प्रोसीजर्स होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉलो करने के लिए हमारे भरोसा सेंटर से फॉलो किया जाएगा। जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, वो हम ही लोग वो विक्टिम के लिए करवाएंगे। उसी तरह से 161 स्टेटमेंट जो कि एक महिला लेडी सब इंस्पेक्टर लिखती हैं, वो स्टेटमेंट भी भरोसा में लेडी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो ही लिखेंगी। उसी तरह से मैजिस्ट्रेट्स भी जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग रिकॉर्ड यहाँ भरोसा में करते हैं। ये एक तरह से बोला जाएगा कि कंट्री में ये पहले दफ़ा ऐसा हो रहा है कि विक्टिम का जो 164 स्टेटमेंट जो कि मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे भरोसा सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग करते हैं। और इस तरह से सभी तरह की सुविधाएं हम लोग ये विक्टिम्स को देते हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं जो कि इनको सांत्वना देती हैं और केस को आगे बढ़ाने में हम लोग उनकी मदद करते हैं। इसी तरह से एक डिसीजन और भी लिया गया कि ये जो भरोसा सेंटर है, इसी तरह का जो सेंटर्स पूरे जिलों में भी बनाया जाएगा। और इसके लिए ये जो भरोसा सेंटर हैदराबाद में है वो एक अम्ब्रेला एजेंसी की तरह काम करेगी और हम लोग भी वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स में भरोसा सेंटर्स खोलेंगे उनको स्टार्ट करने में हम लोग।